तो दिल्ली के कानून मंत्री खुद कानून के घेरे में हैं। जी हां, दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। युगांडा की लड़कियों ने साकेत कोर्ट में कानून मंत्री के खिलाफ अपना बयान दर्ज करवा दिया है। लड़कियों ने भारती पर जबरन गाड़ी पर बिठाकर मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाने का आरोप लगाया है और लड़कियों ने भारती को पहचानने का दावा भी किया है। इन युगांडा की लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा है कि उन्होंने टीवी पर चल रही खबरों और न्यूज़पेपर्स के जरिए सोमनाथ भारती को पहचान लिया है। जी हां, लड़कियों ने पूरे मामले में जिस तरह से नस्लभेदी टिप्पणी का गंभीर आरोप लगाया है, वो मामला काफी गंभीर है क्योंकि नस्लभेदी टिप्पणी का केस गैर जमानती धाराओं में दर्ज हो सकता है। वैसे फिलहाल इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। The problem we have is we were attacked on Wednesday night by Indians who were led by Sonalti Bati. They are claiming we are blacks and we should leave their country. We were harassed, we were beaten. They were having long sticks, very big sticks, and they said we should leave their country or else they are going to kill us one by one. You identified Sumrat Bharti? Yeah, I identified him because he came in the night, then the next day I saw him on television.